हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, स्वस्थ बड़ा चंगा होंगे। और स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज का मेरा यह दिन का वीडियो है जो डेली ब्लॉग। आज हम आप लोगों को घुमाएंगे गाइस, जैसे कि हम लोग का सिमडेगा क्षेत्र झारखंड का। आप लोग तो बस जानते हैं कि सिमडेगा, लेकिन सिमडेगा का जो छोटा छोटा गांव जो है, विलेज जो है, उनको आप नहीं देखेंगे। हमारा पूरा जंगल क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, तो आप लोगों को हम उसको दिखाएंगे। आप लोगों को गांव का नाम भी बताएंगे, पूरा दिन आप लोगों को हम दिखाएंगे। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी तो 7:08 बजने जा रहा है, 10 मिनट बाकी है। और हम सुबह उठे, उसके बाद ब्रश व्रश किए। ब्रश करने के बाद जो है मेरा ये सुबह का जो होता है ना, ये रहा जो चाना जो कि कल देख चुके हैं आप। ये चना, बादाम और हरा मूंग है, और दही है जो कि हम पहले पी चुके, और इसको हम शाम में आके पिएंगे। तो ये है मेरा अभी खाली पेट में, इसको हम खाते हैं। उसके बाद इसको खाने के बाद नहाएंगे, उसके बाद नहाने के बाद खाना खाएंगे। सो आज का मेरा ब्लॉग रहेगा गाइस, हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे पूरा गांव का, गांव के बारे में आपको हम दिखाएंगे। और हर एक दिन आपको नया नया गांव दिखाएंगे। आज फलना जगह तो दूसरा, समझे ना, मतलब आज इधर गिए कल उधर गिए। आपको ऐसे बात नहीं कि एक ही जगह दिखाएंगे, आपको हम दूसरा दूसरा जगह का गांव को हम एक्सप्लोर कराएंगे। घूमिए सिमडेगा, घूमिए यहाँ का गांव, घूमिए यहाँ का क्षेत्र, देखिए। हो सकता है कभी आप लोगों को काम आए, आप लोग कभी अगर आइएगा तो जगह का नाम हम बताते जाएंगे आप लोगों को। हो सकता है आप लोगों को कुछ काम पड़ जाए, या तो आइए तो बैठे बैठे आप लोग सिमडेगा सैर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। सो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए, हम आपको अच्छा से एक्सप्लोर कराते हैं मेरा पूरा सिमडेगा झारखंड का। और फिलहाल अभी हम चाना खाते हैं, उसके बाद हम नहाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो मिलते हैं गाइस, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। ये आवाज़ सुन रहे हैं, क्या चीज़ का आवाज़ है? ये आवाज़ है, जानते हैं, एक ढेंगूर बोलते हैं हम लोग। एक छोटा सा, इतना छोटा रहता है, इतना छोटा ढेंगूर बोला जाता है, समझे ना। तो उसी का आवाज़ है, समझे ना। गर्मी में ये लोग केवल निकलता है। तो चलिए गाइस निकलते हैं और आगे का गांव को एक्सप्लोर कराते हैं, बने रहिए वीडियो में। देखिए यहाँ पर हम नहर में पहुँच गए, जो कि ये देख सकते हैं, ये डैम है। और ये डैम पूरा बांधा हुआ है, जो कि हम पुल के ऊपर में चल रहे हैं। आपका देख सकते हैं ये रोड या पलंगा की ओर जाता है, यहाँ से टोटली होकर उसके बाद जो पलंगा होते हुए आपका ये बोलबा की ओर जाएगा। और अभी ये पानी सूखा हुआ है, समझे ना। चलिए बने रहिए। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जपलंगा टोंगरी टोली में हैं। अभी मेन जपलंगा जो है ना, ये है, और बोलबा से ना हम यहाँ घूम गए और बगचट्टा होके घर जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे दो घर है बस, और बाकी चारों तरफ आपको जंगल ही खाली दिखेगा। और अभी 3:30 बज गया, 4 बजने जा रहा है। हमको जो पलंगा का पहाड़ और पर्वत और जंगल आपको दिखा दे रहे हैं आसपास का, ये आसपास पूरा आपको घना जंगल मिलेगा, घर उरे भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा चलिए आप लोग भी सैर कीजिए हम मेरे साथ, थोड़ा घूमिए। को एक चीज दिखाना चाह रहे हैं गाइस, ये पुल देखिए यहाँ बीच पे टूटा हुआ है समझे ना, और गिट्टी सब कुदाया हुआ है बनाने के लिए। और सीन देखिए यहाँ का पहाड़ भयानक लग रहा है एकदम। और सोचिए कि नदी है, अभी गर्मी है इसीलिए जो यहाँ से हम होके आए, अगर पानी होने से यहाँ पार नहीं होगा, ये तो गर्मी है इसीलिए रोड पूरा पुल टूट गया है। अब देखिए इस तरह से चढ़ना होगा एकदम भयभयान अकेले। चलिए फाइनली यहाँ पे हम सिमडेगा पहुँचने वाले हैं, अभी 17-18 किलोमीटर बाकी है। और मेरा तो धूप में एकदम सब अंचर पंचर ढीला हो गया, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा था समझे ना। यह एक सिस्टर है जो कि यहाँ फुचका बेच रही है मेरा, तो हम सोचे कि खा लेते हैं, थोड़ा सा इमली पानी भी पियेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगे। और देखिए इमली पानी में क्या चीज़ में बनाई है समझे ना, देखिए इमली पानी। अरे आलू बना रही है। चलिए अभी हम फुचका खाएंगे, सर सिस्टर बना रही है, मसाला नहीं होगा उतना में हो जाएगा ना, तो मसाला तैयार कर रही है। और इधर फुचका है, नहीं देंगे बोल रही थी छोटा छोटा सा, हम बोलो दोनों जिससे भी हो, बस अंदर का शैतान मर जाए बस। और जानते हैं गाइस हम कितना ज़्यादा रनिंग किए हैं, 100 किलोमीटर पड़ गया मेरा सिमडेगा से बोलबा होते हुए, हम यहाँ बगचट्टा होते हुए जा रहे हैं, और इधर उधर घुसते फुसते आए ना 100 किलोमीटर पड़ी है, इतना ज़्यादा रनिंग किए क्या कीजिएगा। सो अब 4:30 बजने वाला है, अब सीधा घर निकलेंगे और अभी खाते हैं यहाँ पे फुचका समझे ना। तो देखते हैं कैसे बनाती है सिस्टर, टेस्ट कैसे है। ये रहा हम लोग का मसाला, रेडी हो चुका है और फुचका भरा गया, ये रखिए। चलिए टेस्ट करके देखते हैं, अच्छा है इस। और हम ब्लॉग में ही पेंट करते हैं, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। आज का बहुत ज़्यादा राइड था और बहुत ज़्यादा परेशानी, और हमको परेशानी इस बात का हुआ ना कि पहले से लू मारा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। आप लोगों के बीच में ऐसे राइड फिर से लेके आएंगे। सो हम वीडियो को यहीं पेंट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।